हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम एवरी वन। वी आर बैक विथ अ न्यू स्ट्रीम एंड ए ब्रैंड न्यू मैच। तो यहाँ पे पहले क्विक मैच लगने जा रहे हैं। 28 के एक फुल लॉबी हमें ऋषि के क्लब से देखने को मिला है। सो लेट्स एंजॉय द मैच टुगेदर और साथ में खेलते हैं, साथ में देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे विक्ट्री ले जाएंगे। बाकी कोई अगर ऐसा व्यूअर होंगे जो जिसको पता नहीं है किसका मैच या कैसे होता है, तो मेरे को इंस्टा पे डीएम करके इसके डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे आज स्ट्रीम दिला है तो सिल्लाना मत कोई। हेलो, यहाँ पे भाई ये कौन सी टीम था, इतना जल्दी जल्दी फर्स्ट एक्शन। ठीक है, यहाँ पे टीम 12 की बात किया जाए तो टीम 12 के यश ऑलरेडी नॉक हो चुका है, मानस के ऊपर, मंस के ऊपर आ चुका है काफ़ी प्रेशर। उसके पास अभी तक के लिए कोई भी वेपन हमें देखने को नहीं मिले हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे टीम 12 के सफ़र ख़त्म होंगे या इसी के साथ। भाई ये क्या है, वॉट आर यू इवन ट्राइंग टू डू। आए भाई ये क्यों था, आवाज आ रही है ना मेरे को स्ट्रीम पे। ओके यहाँ पे बाकी टीम्स की बात किया जाए तो काफ़ी टीम्स को अभी तक के लिए वेपन नहीं मिले। और यहाँ पे टीम वन की बात किया जाए तो टीम वन अपना एसेंशियल लूट करके बाकी टीम्स के आसपास जाके फाइट एंगेजमेंट लेने की कोशिश करेंगे। टीम 14 की बात किया जाए तो टीम 14 इज़ नॉट सर्वाइविंग विद टू मैन, और यहाँ पे दो किल ऑलरेडी प्लेयर वन के पास आ चुके हैं। बाकी टीम्स की बात किया जाए तो प्रीमर्क्स वाली ये जो क्विक मैच की एक लॉबी है ना, वो काफ़ी एक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे टीम 5 के सामने हमें देखने को मिलेंगे टीम 3 घोस्ट स्नाइपर एंड घोस्ट शूटर के सामने टीम 5 के एक बंदे हमें देखने को मिला था जो था पशवान जिद, बट यहाँ पे कोई फाइट एंगेजमेंट अभी तक के लिए टीम के बीच नहीं हुए हैं। एंड जोन भी आ चुके हैं तो दोनों ही टीम को जल्दी जल्दी जोन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों ही टीम के लिए। एंड वेट, वैसे आज टू, ओके यहाँ पे टीम 5, ओके यहाँ पे टीम 3 एंड टीम 5 के बीच एंगेजमेंट में टीम 5 एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। ही वॉज द सोलो सर्वाइवर, तो बहुत ही जल्दी मरा गया। यहाँ पे टीम 14 की बात किया जाए तो अभी भी अपना एसेंशियल कंप्लीट एसेंशियल लूट तो ये टीम के पास है नहीं अभी तक, क्योंकि प्रीमर्क्स वाले जो मेन रूम्स मेन बिल्डिंग्स नहीं मिलते ना, तो थोड़ा सा दिक्कत तो यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे टीम 11 की बात किया जाए तो बीचू के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है एंड उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमें किल भी देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 3 किल काउंट लेके बैठा है। सो शायद यहाँ पे मंच वाले टीम जो थे, मिस्टर मंच वाले, वो भी टीम उसने एलिमिनेट किया होगा जितना मुझे याद है। यहाँ पे टीम 9 के साथ एक फाइट एंगेजमेंट टीम 11 के साथ देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ लूसीफर पूज करते हुए यूएमपीएन स्कारल के काफ़ी अच्छा कॉम्बो लूसीफर के पास देखने को मिलेंगे। ही इज़ द लास्ट वन टू सर्वाइव फ्रॉम हिज टीम। सुमित ऑलरेडी मर चुके हैं। सो क्या यहाँ पे एक 1v2 का सीनेरियो लूसीफर निकाल पाएंगे या इसी के साथ लूसीफर के सफ़र इस मैच में हो जाएंगे खत्म। सो लेट्स सी। और यहाँ पे लूसीफर काफ़ी पेशेंस के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर ही बिछू वाले टीम भी हमें देखने को मिलेंगे। फाइट एंगेजमेंट तो दोनों टीम के बीच नहीं हुआ, बट यहाँ पे टीम जो सेक वाइटी की टीम है वो ऑलरेडी पहाड़ियों पे आ चुके हैं, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे शायद उसको विजन भी मिल जाएंगे। बट भाई यहाँ पे सोने की क्या बात है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे दिख जाएंगे आराम से। वेट अ मिनट, हाँ किसी का चैट मुझे दिख नहीं रहा है या कोई कह ही नहीं रहा, मेरे को अलग फ़ोन पे दिखना पड़ेगा। रुको, लव फ्रॉम ऋषि आए। अच्छा अब चैट का ग्लिच हो गया शायद, अच्छा दिख रहा है मेरे को। हाय ऋषि, थैंक यू फॉर योर लव। यहाँ पे बाकी टीम्स की बात किया जाए तो टीम यहाँ पे लूसीफर काफी पेशेंस के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर ही ओके यहाँ पे टीम 10 की बात किया जाए तो मिलान वाले टीम के पास ऑलरेडी वीर के पास दो सोलो पे दो किल आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग रहा है मिलान के टीम के लिए भी। सामने टीम 7 हमें देखने को मिलेंगे। टीम 11 की बात किया जाए तो
टीम 11 के बंदे के पास, ओके सामने लूसीफर अभी भी है एक्चुअली, दो बंदे घुस के मार सकते हैं, बट एक बात बोला जाए तो उसके हेल्थ के हिसाब से दोनों के पास काफ़ी कम एचपी है, तो यहाँ पे वो ओ और यहाँ पे शायद विशु को ब्लॉक करेगा उसका टीम में। और इसी के साथ लूसीफर के द्वारा, लूसीफर गया क्या, लूसीफर के द्वारा एक प्रॉपर 1v2 विशु के टीम के अगेंस्ट हमें देखने को मिला। मैं थोड़ा सा स्विच करने में दिक्कत हो गया, बट ठीक है। बाकी टीम्स की बात किया जाए तो वी ऑलरेडी हैव 8 टीम एंड 15 इंडिविजुअल एंड काफ़ी अच्छे टीम, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स के साथ मैच स्टार्ट हुए थे। एंड यहाँ पे प्लस 1 भाई आई कर्स्टर 2 भी आई आई, ठीक है भाई। और यहाँ पे टीम 3 की बात किया जाए तो टीम 3 के ऊपर लिया जाएगा सूट, यहाँ पे स्नाइपर नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं और इसी के साथ टीम 3 के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ा होते हुए नजर आएंगे। टीम 14 की बात किया जाए, 3 किल लूसीफर के खाते में इंडिविजुअली आ चुके हैं। और यहाँ पे टीम 14 के सेक वाइटी की बात किया जाए तो सेक वाइटी भी 1 किल के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, को शूटर को यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश किया जाएंगे। एंड बाकी टीम्स की बात किया जाए तो घोस्ट शूटर भी हो चुके हैं नॉक एंड फिनिश, मेरे स्विच करते यहाँ पे लूसीफर के साथ टीम 1 के भी एक एंगेजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। भाई डेविल गेमिंग तो कहीं और ही चढ़ा हुआ था, कैसे, अच्छा साइड से गया होगा ना ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक 1v2 का सीनियर फिर से देखने को मिलेंगे या 2v1 में, यहाँ पे लूसीफर, ओके 2v1 में तो लूसीफर खत्म हो ही चुके हैं, पता नहीं मेरा नेट का क्या नशा हो गया बीच में, बट ठीक है। लव फ्रॉम ऋषि, हाँ थैंक यू ऋषि भाई, क्यू डिले आ रहा है साउंड में, साउंड में डिले, आई डोंट थिंक कि साउंड में कुछ डिले है, साउंड में डिले है क्या, एक मिनट आराम से यार, पता नहीं ये तारनीब जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना मेरे, वो काफ़ी कभी कभी बहुत गंदा नशा कर देते हैं, इसलिए आई होप कि अब तो आवाज़ आ रही होगी आराम से, है ना जे, बताना एक बार। ओके यहाँ पे टीम 1 की बात किया जाए, 2 किल के साथ घोस्ट गेमिंग यहाँ पे सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। वी स्टिल हैव 9 इंडिविजुअल एंड टॉप सिक्स टीम्स है टीम 1, टीम 6, टीम 7, टीम 8, टीम 10 एंड टीम 14। यहाँ पे टीम 10 जो वीरन मिलान की टीम है एंड टीम 7 जो बीस्ट की टीम है, ये और सेक वाई टी के, ये तीनों टीम के पास मैन पावर के एडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे, तो ये देखने लायक होंगे कि ये मैन पावर कैसे वो लोग अपने फेवर में यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी टीम्स यहाँ पे है जो सोलो सर्वाइवर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि वो लोग क्या अलग कर सकते हैं बाकी टीम से। यहाँ पे मिस्टर रोहित अपने टीम मेट को सामने बलि सरते हुए देखा, बट भाई उसने ट्राई भी नहीं किया बचाने की, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे टीम में भी ऐसी है, मैं अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पर टीम 7 की बात किया जाए, यूएमपी बाइजन एंड उजी के काफ़ी अच्छा कॉम्बो यहाँ पे देखने को मिला है। प्रीमर्स वाले जोन में एक्चुअली कहीं बाहर जाने के टीम्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्रीमर्स के तो बाहर तो जाते ही नहीं है जोन। और यहाँ पर सोलो सर्वाइवर्स भी, ओके यहाँ पर मिलान के ऊपर नॉक आते हुए टीम वीर के ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई थिंक यहाँ पर वीर आराम से आए। शाउट आउट टू यू डॉन गेमिंग, मैं इतने भी बड़े नहीं हुई हूँ डी डॉन गेमिंग। ओके यहाँ पे घोस्ट टीम 1 के देखने को मिलेंगे फिर के तरफ से, भाई है डिले अभी भी, आवाज़ में तो डिले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वीर के द्वारा एक 1 वाला जाएगा और इसी के साथ वीर के खाते में आ चुके हैं 3 किल, बट मिलान की बलि तो सही है, बट कोई बात नहीं, वीर ने अपने 3 के लिए से यहाँ पे कैरी करते हुए हमें नजर आएंगे वीर के द्वारा। एक मिनट, शाउट आउट दे दो आए, शाउट आउट टू डी डॉन गेमिंग, बट थिंग इज मैं इतनी भी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। अरे स्पैम क्यों कर रहे हो दिया, एक मिनट साउंड पे कौन सी डिले आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रही, एक मिनट तो देखने दो। ओके यहाँ पे घोस्ट टीम 1 देखने को मिलेंगे फील्ड के तरफ से, भाई है डिलीवरी, आवाज़ में तो डिले नहीं होना चाहिए। नहीं, आवाज़ डिले नहीं है जे, तुम्हें कुछ गलत लगा होगा, आवाज़ तो डिले नहीं है, मैंने सेक कर लिया दूसरे फ़ोन में, आवाज़ तो डिले का कोई सीन नहीं है। ओके यहाँ पे वी स्टिल हैव 7 इंडिविजुअल एंड 5 टीम, टॉप 5 टीम में से है टीम 6, टीम 7, टीम 8, टीम 10 एंड टीम 14। आवाज़ पहले आ रहा है फ्रेम बाद में, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, आप एक बार रिस्टार्ट करके देखो लाइव, क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन पर सेक किया हो तो ठीक ही है। डिले का तो, आवाज़ डिले का तो मतलब नहीं बनता यहाँ पे, बट आई डोंट नो, हो भी सकता है यार।
ओके यहाँ पे सेक वाइटी की बात किया जाए, 14-14 से अकेले सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, 2 इंडिविजुअल किल के साथ 4 किल इस टीम के पास है एंड टीम 6 के पास अभी भी भाई ये सेक वाइटी। अच्छा वेट ए मिनट, सेक वाइटी मतलब इन लोगों का टीम टैग है राइट, मैंने गलत देखा, सेक वाइटी इन लोगों का टीम टैग है और जो सामने है एम एफ एंड लाइक को जो भी है मिस्टर सेक वो इन लोगों का नेम है एम एफ एंड एम आर। ओके गॉट इट, मिस्टर सेक वाइटी एम एफ सेक वाइटी, माई बैड। यहाँ पे बोलना अभी भी मुश्किल है कि कौन सी टीम यहाँ पे चिकन ले जाएंगे, क्योंकि ओनली जिस टीम को यहाँ पे विक्ट्री मिलते हैं उसी टीम के MVP को मिलते हैं #1 एंड उस टीम के दूसरे प्लेयर को मिलते हैं #2 एंड जो टीम #2 आते हैं उस टीम के MVP को मिलते हैं #3 फॉर 10 rupees। अगर किसी को यहाँ पे प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है तो इट्स फॉर #1 फॉर 30 #2 20 एंड #3 पे मिलते हैं 10 rupees। और यहाँ पे स्टैन ऐप के जो यूजर नेम है आपके वो यूजर नेम में आपका प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहाँ पे क्लेम करने पड़ता है आपका जब रिडीम कोड आ जाता है। अगर किसी को कुछ पता नहीं है तो ऋषि होस्ट एज ए होस्ट बैठा है रूम पे, उससे पूछ लो, क्लब से जाके आप पूछ सकते हो, होस्ट में मैं भी बैठी हूँ, आप लोग हमें क्वेश्चन करके कोई भी डाउट होता है तो क्लियर कर सकते हो ठीक है। बट डुओ पे कैसे प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस बात को लेकर आप लोगों को क्लियर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो या यहाँ पे अभी तक के लिए फाइटिंग में तो इतना ज़्यादा हुआ नहीं, और कल काफ़ी टीम्स ने लाइक कंप्लेन किया था कि यहाँ पे डिले डाल दो, स्ट्रीम्स नहीं फोड़े, तो मैंने इसीलिए 50 सेकेंड का डिले डाल दिया। और जो वाईफाई या यूट्यूब या टर्निफ की वजह से डिले होता है उसको लेके शायद इतना ज़्यादा नहीं भी होगा, तो 45 सेकेंड टू 50 सेकेंड का डिले तो है ही आज ठीक है, तो आज कोई स्ट्रीम स्नाइप की मतलब नहीं बनता। बट अगर आप लोग कैंप करके बैठोगे ना एक जगह पे तो आप लोगों का पोजीशन ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे के लिए रिवील हो ही जाएगा, क्योंकि एक प्रेडिक्शन तो लग ही जाता है जो हर रोज़ खेलने वाले बंदे हैं जैसे कि वीर वगैरह। और यहाँ पे रोहित को 1v1 में वीर ने काफ़ी अच्छे से टेक डाउन किया, 4 kills इंडिविजुअली अपने खाते में ऐड कर चुके हैं, टॉप 4 में आ चुके हैं एंड टीम 7 के पास अभी भी 0 kill के साथ टीम मैच के मैन पावर के एडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे। टीम 7 की तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक के लिए देखने को नहीं मिले, आई होप जल्दी ही मिल जाए, सो लेट्स सी। और यहाँ पे वीर की बात किया जाए सोलो सर्वाइव करते हुए, और S12 के न्यू MP के काफ़ी एक अच्छा कॉम्बो इस प्लेयर के पीछे हमें साथ इस प्लेयर के पास हमें देखने को मिले हैं। टीम 6 के पास भी मैन पावर है अभी तक के लिए, बट टीम 6 के पास भी एज यूजुअल कोई भी किल नहीं है। टीम 7 एंड टीम 6 यहाँ पे फाइट एंगेजमेंट लेते हुए नजर आएंगे, बट यहाँ पे टीम 7 एंड 6 अगर फाइट एंगेजमेंट ले जाए ना तो बाकी जो सोलो सर्वाइवर है उन लोगों के लिए काफ़ी एडवांटेज में रहेंगे ये बात। सो लेट्स सी, ये कि अगर एक भी टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए ना तो आराम से कोई 1v2 निकाल के #1 लेके जा सकते हैं। बट अगर क्योंकि यही दोनों टीम है जिसके पास ऑलरेडी लाइक दो बंदे हैं, सो आई थिंक यहाँ पे टीम 7 का काफ़ी अच्छा एंगल देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ओके यहाँ पे बीस्ट एंड ओके यहाँ पे MF से क्वालिटी की तरफ से काफ़ी अच्छा 1v2 का सीनेरियो हमें देखने को मिला, काफ़ी अच्छे से उसने हैंडल किया ये सीन एंड 2 kills अपने इंडिविजुअली अपने खाते में ऐड करते हुए नजर आएंगे। बट अपने बंदे को शायद यहाँ पे रिवाइव नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अच्छा दिया जा सकता है इफ़ यू वांट टू, बट आई थिंक यहाँ पे देना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। मर गया भाई वो, जो उनके बाहर थोड़ी बचेंगे। वी हैव आवर टॉप 3 प्लेयर्स मतलब टॉप 3 टीम, दैट्स टीम 5 टीम 10 एंड टीम 14। एक बात सही है कि ये बिल्कुल 1v1v1 का सिनेरियो है, तो ये बोलना मुश्किल है कि कौन सी टीम यहाँ पे चिकन लेके जाएंगे। यहाँ पे सेफ क्वालिटी काफ़ी सेफ जगह में सोते हुए हमें नजर आएंगे, सामने वीर है वो शायद तलाश में है कि और एक बंदे को ढूंढ के मार दो एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा सेफ रहेंगे। बट यहाँ पे अभी तक के लिए #3 भी किसी के लिए सिक्योर नहीं हुआ है, एज आप लोग को पता है जो टीम #2 आते हैं उसी के MVP को #3 मिलते हैं। सो वीर सर यहाँ पे तो स्पॉट हो जाना चाहिए था उसके, ओके स्पॉट शायद हो गया है एंड यहाँ पे सेक वाइटी की बात किया जाए तो वो काफ़ी MF सेक वाइटी की बात किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा पोजिशन से जोन लेने की कोशिश में रहेंगे। UMP and 6X के एक कॉम्बिनेशन भी इस प्लेयर के पास हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे UMP बाइजन के साथ भाई बंदा तब से प्रॉन होके बैठा है, उसके बाद जब मरेंगे ना तो बोलेंगे कि वो होता है, भाई नहीं होता, तुम लोग एक जगह पे ऐसे बैठ के मत खेला करो, आराम से उठ के थोड़ा सा खेला करो ना। बट इट्स अप टू हिम एक्चुअली, क्योंकि विक्टोरी के जब वूक होता है ना तो कोई जैसे भी खेले सेफ जगह में सोते हुए हमें नजर आएंगे, सामने भी है वो शायद तलाश में। और जो भी हो यहाँ पे अगर आप लोग चैट नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम भाई 15, अच्छी बात है यार, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जय, अभी ठीक हो गया ना सब कुछ? क्योंकि शायद आपके कुछ ग्लिच थे या आपके हेडफोन की वजह से हुआ होगा, क्योंकि डबल आवर्स तो जान ही रहे थे मैंने सब। ओके, यहाँ पे वीर ने सेफ वाइटी को भी किया है टेक डाउन। सो हैशटैग टू का जो सीनरी और हैशटैग थ्री का जो सीनरी है दोनों ही प्लेयर के लिए अभी तक के लिए सेट हो चुके हैं। तो क्या यहाँ पे इस कैंपर को मार पाएंगे या इसी के साथ वीर के हैशटैग थ्री में ही हो जाएंगे सफर खत्म? अगर यहाँ पे वीर चिकन ले जाएंगे भाई, अच्छी बात है कि उसको पता चल गया। लव फ्रॉम ऋषि, थैंक यू ऋषि, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द स्ट्रीम। और यहाँ पे शायद जोन जाने में भी कामयाब रह जाएंगे। ये दोनों फाइट के सीन है। मैं क्यों फेस रिवील करूँ? आवाज़ सुनो भाई, फेस रिवील का। ओके, यहाँ पे वीर एंड एम एफ सेफ मिस्टर सेफ वाइटी के फाइट एंगेजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। वीर थोड़ा सा लोअर ग्राउंड में, इसको डिसएडवांटेज मिलने वाला है, बट पीछे जाना सही नहीं था, बट ठीक है। क्या यहाँ पे हायर ग्राउंड का एडवांटेज सेफ वाइट मिस्टर सेफ वाइटी उठा पाएंगे? लेट्स सी। शायद अभी तक के लिए स्टैन ग्रेनेटी रह गए हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ट्रोएबल किसी के पास भी। यूट्यूब ग्लेच मेरे यहाँ से, हाँ आपके वहाँ से यूट्यूब में वही देखा मैंने, मतलब दूसरे फ़ोन से मैं चेक करके आई ना। एंड जो जो भी स्ट्रीम देख रहे हो प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम। और यहाँ पे बोलना अभी भी मुश्किल है कि कौन चिकन ले जाएंगे, क्योंकि वीर भी यहाँ पे काफ़ी ट्राई आउट करते हुए नजर आएंगे, ट्राई आउट करते हुए, क्योंकि अगर वीर चिकन लेता है तो मिलान के लिए भी एक पोजीशन सिक्योर हो जाएंगे। और टीम एक्चुअली वीर डिजर्व भी करता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं अभी तक के लिए। और यहाँ पे सेक वाइटी भी दो किल के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही टीम के दोनों ही प्लेयर अपने अपने हिसाब से हील वगैरह कर चुके हैं, हील बैटल ना हो जाए बस। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फिर से वीर पे आते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पे प्रॉपर 1v1 में मिस्टर सेक वाइटी को खा जाएंगे वीर, तो मिलान के लिए भी एक पोजीशन सिक्योर हो सके। बट इट कैन बी ओके, एक काफ़ी अच्छा एंडिंग इस मैच के देखने को मिला। लास्ट में जाके मिस्टर सेक वाइटी को मिला है हैशटैग थ्री, और यहाँ पे वीर जाएंगे हैशटैग वन लेके। मिलान को भी साथ में हैशटैग टू मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वीर वाली टीम की तरफ से, स्पेशली वीर के इंडिविजुअली हमें देखने को मिला। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और नेक्स्ट मैच तक मैं ऐसे ही फ़ोन छोड़ रही हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट मैच के लाइव भी यहीं पर होंगे, आप लोग ज्वाइन करना। पहले आई डी पास लेके आओ क्लब जाके।
हेलो अनिश, अनिश 200, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। और आप बोल रहे थे कितने प्राइस मिलेगा? प्राइस है हैशटैग 1 पे 30, हैशटैग 2 पे 20 एंड हैशटैग 3 पे 10। तो दो मैच होते तो दोनों मैच के इन टोटल 120 रुपीज़ प्राइस पुल होते हैं। ठीक है, इजी है, कंपटीशन भी काफ़ी कम ही है क्योंकि क्विक मैच है तो 28 बंदों के साथ ही खेलना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। और बाकी अगर आप सेन यूजर हो तो आपको तो पता ही है बाकी प्रोसीड्यूर क्या है। हाँ पता चल गया ना, आप बताना एक बार। ठीक है, स्टार्ट करना है आपके ऊपर ऋषि, आपके ऊपर। हाय सागर, हाय हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन। अगर आप लोग यहाँ पे चैट कर भी नहीं रहे हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी रीच 1K सब्सक्राइबर एज सून एज आई कैन। तो 1K सब्सक्राइबर में 2 RP के गिवे होंगे, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो मैं अपने इंस्टा पे डालूंगी। तो मेरा इंस्टा है म्यूकी, म्यूकी में M1U की डालो तो वैसे मेरा इंस्टा मिल जाएंगे। ठीक है, वरना मैं और थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में सेंस करके मेरा अपना इंस्टा की आईडी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने गलत डाल रखा है वो, एक्चुअली मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, माई बैड, जल्दी ज्वाइन कर लो और क्लब से जाके या तो आईडी पास ले लो या किसी को यहाँ पे भी चाहिए तो 3179039 आईडी है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो जाके। सुनो 1-5 पे स्टार्ट कर देना ऋषि, ऑलरेडी लेट हो चुका है। और जो भी देख रहे हो ना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मैंने थंबनेल वगैरह कुछ नहीं लगाया ऋषि पता है, क्योंकि मैं जल्दी में थी। हाँ बाद में लगा लूंगी, वो तो वैसे भी आ जाता है। हाँ गाइस जो भी नया ज्वाइन करो, रोमाडी आ चुका है। ठीक है, 1-5 पे शार्प स्टार्ट कर दूंगा, फिर रह गए तो रेड प्लीज प्लीज नहीं 5 पे स्टार्ट करो, प्लस 3 पर एक्स्ट्रा टाइम। और YouTube पे लाइव भी चल रहा है तो आप वहां जाके भी सपोर्ट कर सकते हो, उधर खेल नहीं रहे हो आपको ऊपर लव लिखा हुआ दिख रहा है, उसके नीचे, हाँ उसके नीचे एक्टिविटीज है, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे यूट्यूब का चैनल का लिंक मिल जाएगा।
स्ट्रीम लेट है बहुत, स्ट्रीम अगर डिले नहीं रहती हूँ ना फिर जाके सीन होता है स्ट्रीम स्नाइप एंड ऑल पे, तो देना पड़ता है डिले, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट एंड वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन। और यहाँ पे टीम टू की बात किया जाए तो ऑलरेडी अपना एसेंशियल लूट करने के लिए लैंड करते हुए नजर आएंगे रोजोक वाले। ये जो जोन बना है ये शायद टीम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि रोजोक वाले जो क्विक मैच के जोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल होता है खेलने के लिए। एंड अगर जिसको भी प्रॉब्लम है कुछ डिले से तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डिले अभी बोल भी ले ढंग से बात करना है, ठीक है, ढंग से बात करना है। और मैं बोल ही रही हूँ हाँ तो करो ना भाई, लॉल एज इफ आई केयर। आवाज़ आ रही है ना रुको, एसके वाले टीम में फाइट हो रही है यहाँ पे। ओके यहाँ पे टीम 14 की बात किया जाए तो टीम 14 के साथ एक फाइट एंगेजमेंट देखने को मिलेंगे। मंस इज स्टिल द लास्ट वन, पिछले मैच में भी इसका कुछ ग्लिच था तो वो ऐसे ही निहत्ता मर गया और यहाँ पे भी सेम ही सीन शायद होने वाला है। तो लेट्स सी यहाँ पे जो एसके वाले टीम है, टीम 12 की बात किया जाए तो लूसीफर एंड एसके ने ऑलरेडी एक किल कर चुका है और इसी के साथ सन मंस को भी नॉक एंड फिनिश, मानस को भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दिया जाएगा पिछले मैच की तरफ ही फिर से मरते हुए। एसके की टीम के लिए काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग ऑलरेडी रह चुके हैं एंड लूसीफर एंड एसके साथ मिलके काफ़ी अच्छा खेलते हैं तो लेट्स सी। एंड बाकी टीम्स की बात किया जाए तो रोजोक के अलग अलग कोने पे अपना एसेंशियल लूट करते हुए ये टीम्स नजर आएंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट अ टीम 10, यहाँ पे नोबिटा गेमिंग, YG एंड नॉक ओगी अपना एसेंशियल लूट करते हुए सबसे ऊंचा बिल्डिंग पे नजर आएंगे। एसके वाले टीम को यहाँ पे आराम से स्पॉट किया जा सकता है बट दैट्स अप टू डैम। ये कौन आया सर्टिफाइड हैकर, सर्टिफाइड हैकर हेलो हाय शांत वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी ढंग से? ओके यहाँ पे बाकी टीम्स की बात किया जाए तो कोई भी टीम का कंप्लीट एलिमिनेशन मंच वाले टीम को छोड़ के कोई भी दो टीम को छोड़ के टीम 3 एंड टीम 14 को छोड़ के कोई भी टीम का कंप्लीट एलिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे अकेले खेलते हुए बीच नजर आएंगे। लूसीफर एंड एसके की टीम के लिए फर्ड काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग हो चुके हैं। MF से YTN किल छोड़ की बात किया जाए तो जोन के बाहर से लूट करते हुए टीम नजर आएंगे, टीम 10 भी। और यहाँ पे 1HP डी डॉन गेमिंग जो स्ट्रीम पे आया था सर पिछले बार, यहाँ पे डॉन गेमिंग भी अच्छे खासे एसेंशियल लूट जो बोल सकते थे AKM एंड शॉटगन के काफ़ी अच्छा भाई। यहाँ पे अगर तुम प्राइस क्या है, प्राइस है आपका यहाँ पे रहेगा 60 rupees। लाइक आपको #1 को 30, #2 को 20 एंड #3 को मिलते हैं 10 rupees। और ये स्टैंड पे होता है, अगर आप स्टैंड की यूजर हो या नहीं मुझे नहीं पता इसलिए बोल रही हूँ, उसी हिसाब से मिलते हैं। और आपकी यूजर नेम पे मतलब डायरेक्ट प्राइस नहीं मिलते, आपके यूजर ID में रिडीम कोड आ जाएंगे और वो परचेस करके आप रियल मनी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। और इसी के साथ डी डॉन के द्वारा एक काफ़ी गलत डिसीजन हमें देखने को मिला। स्कैटमैन ऑलरेडी एक इंडिविजुअली किल अपने खाते में ऐड करते हुए नजर आएंगे एंड बाकी टीम्स की बात किया जाए तो यहाँ पे शायद टीम 10 के साथ एक फाइट एंगेजमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं बाकी टीम्स के द्वारा काफ़ी जोन के एज में रहते हुए प्राइस के। अगर और किसी को कुछ डाउट है ना तो ऋषि को भी क्लब पे जाके पूछ सकते हो या यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट कि आप लोग को क्या जानना है, मैं बताने की कोशिश करूँगी। एक मिनट हाँ मैं कुछ देख रही हूँ। ओके हो गया। यहाँ पे MF से एक YT एंड सॉरी MU से एक YT एंड MR से एक YT की बात किया जाए तो सामने टीम 10 के बंदे शायद यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं, प्रोबेबली नहीं भी ओके स्पॉट हो चुके हैं शायद। सो यहाँ पे एक फाइट एंगेजमेंट काफ़ी मजेदार फाइट एंगेजमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पे टीम 7 एंड टीम 10 के एक क्लैश देखने को मिल सकता है। टीम 12 भी काफ़ी आसपास है। लूसीफर एंड एसके के टीम के ऑलरेडी किल काउंट शुरू हो चुके हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट में रहेंगे वो लोग भी। नेट के द्वारा यहाँ पे फोड़ने की कोशिश किया गया बट कोई भी काम तो आया नहीं, ना ही इसका कोई डैमेज रजिस्टर हुआ। बट यहाँ पे सीख YT के थोड़े से डैमेज आते हुए हमें नजर आएंगे उसके ऊपर।
आज हमसे मैच भी नहीं, हाँ आज हमें मैसेज भी नहीं किया, नाइस। अरे नहीं, तुम जाके एक बार ऋषि से पूछ लो, मैं वहाँ पे क्लब पे बैठी थी तो सब आके ना पूछ रहे थे स्ट्रीम के बारे में, तो मैंने शुरू कर दिया और स्ट्रीम शुरू करते ही 10 बार तो मेरा ग्लिच हुआ। तुम एक बार जाके ऋषि से पूछ लो, चाहे अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो, ठीक है? तो मेरे को उसके बाद में मैंने पॉज नहीं किया। यहाँ पे टीम 12 के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आते हुए नजर आएंगे, एज के इज द लास्ट वन टू सर्वाइव फ्रॉम हिज टीम। सामने टीम 2 हमें दिखाई देंगे, टीम 2 के एक बंदा यहाँ पे काफ़ी डैमेज है, जो है स्कैट मैन के जो दोस्त अभी छू, और यहाँ पे बीच वन स्टेट मैन वर्सेज एस के वाला एक एंगेजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ पे टीम 2 के द्वारा एक एलिमिनेशन देखने को मिलेंगे या एस के और डो की ले जाएंगे अपने टीम के खाते में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पैसे खेलना दोनों ही टीम के लिए ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आप कितना भी किल कर लो, कितने भी ढंग से खेल लो, वो मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दैट गोन काउंट इज योर विक्ट्री। यहाँ पे एस के तो काफ़ी अच्छा खेलता है, तो मेरे हिसाब से हो तो जाना चाहिए था एस के, हो तो जाना चाहिए एस के की तरफ से भी क्लच। अगर क्लच देखने को मिल जाए तो मजे आ जाएंगे, बट लेट्स सी। यू एम पी एन स्कारल की एक ओके, ये थोड़ा सा फ्री फायर एक ओके, थोड़ा सा गलत हो सकते। भाई ये क्या है, कर क्या रहे हो तुम लोग? जाना है तो ऊपर जाओ ना, तुम मुझे देख के फ्रस्ट्रेशन होते ये सब। ओके काफ़ी डैमेज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, बट नीचे जाना एस के लिए भी हानिकारक रहेंगे। यहाँ पर खेलने के लिए भी नहीं बुलाया, अरे पता नहीं स्ट्रीम करूँगी बोलना ना तू, फिर 28 बंदे ऑलरेडी हो चुके थे, मुझे आने के लिए टाइम। ओके और इसी के साथ यू एम पी वर्सेज ए के एम है, ए के एम जीते हुए नजर आएंगे स्कैटमैन की ये ही हेड शॉट के साथ। एस के वाले टीम के भी सफ़र ख़त्म होते हुए नजर आएंगे, एंड आफ्टर जोन 1 वी हैव 14 इंडिविजुअल फ्रॉम 8 टीम। तो बोलना तो अभी भी मुश्किल है कि कौन सी टीम यहाँ पे चिकन लेके जाएंगे, बट यहाँ पे टीम 6 के और एक बंदे को एलिमिनेट करते हुए नजर आए हैं वीर वाले टीम, जिसने हैशटैग 1 निकाला था इंडिविजुअल 6 किल के साथ। उसकी टीम की बात किया जाए तो वाटर सिटी के आसपास लुटते हुए नजर आएंगे। सामने टीम 11 है, बट यहाँ पे इतना कॉन्सर्न की सब्जेक्ट वो अभी तक के लिए नहीं है। वीर एंड मिलान दोनों ही फिर से डेडली डुओ के साथ आगे जाते हुए नजर आएंगे, एंड बाकी टीम्स की बात किया जाए तो टीम 3, टीम 6, टीम 9, टीम 12, टीम 39, टीम 14 ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम 11 के बंदे यहाँ पे जोन गेट कीप कर सकता था, बट आई डोंट रियली थिंक कि यहाँ पे ऐसे प्रॉन होकर अगर खेलेंगे तो गेट कीप करना उन लोगों की बस की बात होंगे। बट भाई यहाँ पे सो के क्या क्या करना है? आप लोग एक बात बताना, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, ठीक है? मुझे किसी को ऑफेंड नहीं करना, बट आप लोग के क्लासिक भी ऐसे खेलते हो, लाइक डर नहीं होता इतना? अगर मैं टीम 1 की बात किया जाए तो स्कूल में अपना एसेंशियल लूट करते ड्रॉप की तरफ नज़र लगाते हुए बैठे हैं यहाँ पे, कि ड्रॉप लूटने को आएंगे और हम मार देंगे आराम से। टीम 2 की बात किया जाए, बिचू यहाँ पे बैठा है, 3 किल है और ओके वो ऑफलाइन एक्चुअली। स्केट मैन अपने लिए अपने टीम मेट को कवर देने के लिए यहाँ पे चुपचाप बैठा है। टीम 5 की बात किया जाए तो रजौक की हिल के आसपास आ चुके हैं। सामने टीम 1 भी हमें देखने को मिलेंगे स्कूल की तरफ। टीम 7 अभी भी, भाई ये क्या देखने को मिला मुझे वैसे? बट ये लोग तो पीछे छोड़ रहे थे ना, अभी इधर कैसे आ गए? अच्छा रजौक के, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आई सी भाई, ये बंदे इतने ही पैसिव खेल रहे हैं ना, इन लोग के पास तो लूट भी नहीं है अभी तक के लिए। ओके लेट्स नॉट जज एनीवन। टीम 10 की बात किया जाए, लेकिन भाई लूट करके ऐसे बैठोगे तू फिर एक एक नेट में ही मरा जाओगे, बाहर जाओ, दूर जाओ। सही बात है, गुड। एंड जो जो भी यहाँ पे हो प्लीज़ एक बार हाई लिख दो, ताकि मैं समझ सकूँ कि कोई कौन कौन है यहाँ पे। नेक्स्ट मैच है, नेक्स्ट शायद दादू ओपी वाली क्लब में होंगे, ऋषि में नहीं है, ऋषि में 2 मैच हो चुके हैं, काफ़ी बंदे भर गए थे ना इसलिए, और मुझे लगा आप मीटिंग के लिए जाओगे तो मैंने आपको मैसेज किया नहीं, वही बात है। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? यहाँ पे टीम 11 के बंदे मुझे नहीं पता क्या सोच के खेले, बट ठीक है, किल चोर यहाँ पे किल चोर के लिए रेडी है। बट भाई आप किसी के किल चोर किल के लिविक खेलते हैं, लिविक का पता नहीं है, शायद रूटिक भाई के क्लब में नेक्स्ट मैच होंगे, उसका तो मुझे पता नहीं वो क्या कराएंगे। ऋषि ने बात किया था उससे कि म्यू की स्ट्रीम करना चाहती है, तो लिविक खेलते हैं, फाइट लेते हैं सीधे। या इट्स अप टू द प्लेयर्स। भाई यहाँ पे सच में बताओ, मैंने एक दिन खेला था किसी के वहाँ पे, टीम 14 है हम। हाय शांत, हेलो। और यहाँ पे मिलान के ऊपर ये आते हुए नजर आएंगे, लेकिन शायद नोबिटा को पता नहीं है जो बाइजन का बुलेट ड्रॉप है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रेट है, तो यहाँ पे इतने दूर बाइजन का बुलेट नहीं होता कनेक्ट।
तो UMP वगैरह अगर ट्राई कर सकते। आप लोग तो मर गए ना बहुत पहले शायद। हाँ मैं समझ सकती हूँ, समझ रही हूँ। अब आवाज़ वगैरह आ तो रही ना भाई, मिला मिलता ओपन में घूम क्यों रहा है मुझे पता नहीं। बट आप AKM अगर ट्राई करते हो ना, शायद AKM कुछ लग जाता, बट बाइजन से कुछ नहीं होने वाले यहाँ पे। आई वुड सजेस्ट कि चेंज कर लो। यहाँ पे वीर भी आ चुका है, सामने टीम वन भी शायद स्पॉट हो ही चुके हैं, जो रजोक के हिल पे अपना जगह बना के बैठे हैं अभी तक। एक बार रजोक के नजारिया देख लेते हैं। एंड ओके टीम ये वीर एंड मिलान वाले टीम है जो उनके बिल्कुल बीचों बीच जो है टीम फाइव। बाकी टीम टू भी अपने दो बंदे के साथ, टीम टेन भी एक काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करके बैठा है, टीम सेवन भी अच्छे खासे पोजीशन के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। एंड वी हैव 13 इंडिविजुअल एंड 7 टीम, क्योंकि एक यहाँ पे टीम एट इज़ नाउ सर्वाइविंग एज द सोलो सर्वाइवर। ये बंदे हैं ना शायद जो लो अकाउंट के साथ खेल रहे थे प्रॉबेबली, जितना मुझे याद है। जून के बाहर जाके लुटने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। क्या बोल रही हूँ? हाँ टीममेट नहीं मिलते मेरे यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे टीम वन के साथ एक फाइट एंगेजमेंट देखने को मिलेंगे, हम ड्रोन व्यू से फाइट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टीम वन के एक बंदा नॉक हो चुका है, टीम टू के द्वारा फ्रेंड को बुला रहा है। हाँ बुला लो। तो नेक्स्ट में शायद कहीं और होगा, वो तो ऋषि बता देंगे कहीं पे होगा। न्यू मूवी डाल दिया है, हाँ ठीक है। कौन सी में? मेरे में डाले हो ना, मेरे में डाले हो, आप वाले में डाले हो। आपका ईमेल नहीं है मेरे पास, मेरे वाले में डालो ना, फिर मैं देख सकती हूँ, हम देख सकते हैं। वो आ भी गया, आज ही तो रिलीज हुआ था शायद। यहाँ पे काफी टीम्स के बीच बिल्कुल क्लोज रेंज वाला क्लैश हमें होते हुए देखने को मिलेंगे। टीम वन हैव लॉस्ट वन ऑफ देयर टीममेट। यहाँ पे डकू हो चुके हैं नॉक एंड फिनिश। ड्रैगन एक्स रोनक की बात क्या हो बोला जाए तो टीम टू के ऊपर काफ़ी प्रेशर क्रिएट करने में ये प्लेयर भी कामयाब हुआ है अभी तक। टीम टू की बात किया जाए, बिचू इज़ द लास्ट वन टू सर्वाइव फ्रॉम इस टीम। यहाँ पे रिवाइव देने के लिए आना या रिवाइव देना काफ़ी रिस्क की बात हो सकता है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मत ही दो, उसको मरने दो अभी तक के लिए, और कोई सहारा आपके पास है नहीं। सो टीम सेवन भी एक कंपाउंड होल्ड करके 13 वाले में। हाँ ठीक है ठीक है। कितने में डाल रहे हो? मीटिंग तीन बजे थे, मतलब आप अभी तो जाना चाहिए आपको, नहीं एक ही बजे छोड़ो आ गया। हाँ ठीक है आ गया फिर, ठीक है। पर रेस्पॉन्स इतना कम क्यों है? मैं देख लिया भाई जी, आए अकेले देख लिया भाई, बदतमीज, शर्म भी नहीं आ रही आपको। या फिर टीम सेवन की बात किया जाए तो टीम सेवन के ऊपर नज़र ऑलरेडी पड़ चुके हैं। एंड टीम टू की बात किया जाए, स्कैटमैन यहाँ पे स्कैटमैन हो जाएंगे नॉक एंड फिनिश। ओ भाई बचा लिया जाएगा, यही तो टीम वर्क होते हैं भाई। बंदे पे कितना पैसेंजर हो गया, मैं होती तो मैं एग्जिट कर देती अभी तक। बाकी टीम्स की बात किया जाए तो 11 इंडिविजुअल के साथ 6 टीम अभी भी है, जो कि है टीम 2, टीम 7, टीम 10, टीम 5, टीम 11 एंड टीम 1। यहाँ पर टीम 1 के जो सोलो बंदा है वो काफ़ी इंपैक्ट दे सकता है, इंपैक्ट प्लेयर बन सकता है बाकी टीम्स के लिए। सो लेट्स सी, वीर वाले जो टीम है वो भी काफ़ी अच्छे खासे पोजीशन पकड़ के बैठे। यहाँ पर टीम 11 भी पीसी से काफ़ी अच्छा पोजीशन में आ चुके हैं, और इसी के साथ नोविटा गेमिंग के द्वारा MU सेक YT हो चुके हैं नॉक एंड फिनिश। और नॉक तो किसी और ने किया था, बट यहाँ पर वीर किल चुराते हुए नजर आएंगे हमें। एंड मिलान की तरफ से ओगी भी नॉक होते हुए नजर आएंगे। एंड वीर के ऊपर भी नोबिटा गेमिंग की तरफ से एक वन सीनियरियो टू बोलना मुश्किल है कि कौन सी टीम यहाँ पे सर्वाइव करेंगे अपने बंदे के। तो बाहर ओगी को तो बाहर मरने के लिए ऑलरेडी छोड़ दिया। यहाँ पे नोबिटा की एक नेट ही मिलान और वीर के लिए भारी पड़ सकते हैं भाई, क्या बोल रही हूँ मैं, भारी पड़ सकते हैं। बट इनमें से दोनों टीम में से किसी के पास प्रॉपर जोन तो अभी तक है नहीं। वीर एंड मिलान के ऊपर मोली आते हुए नजर आएंगे। दोनों बंदे अगर सामने से कूद जाए तो नोबिटा को शायद यहाँ पे टेक डाउन किया जा सकता है। बट दैट्स अप टू देयर टीम वर्क। यहाँ पे ट्रोएबुल फेंक के फाइट लेने की कोशिश किया जाएगा, ट्रोएबुल थोड़े आगे चले जाते तो शायद वीर टेक डाउन कर भी लेता नोबिटा को, और इसी के साथ मिलान वाले में नॉक एंड फिनिश होते हुए। लेकिन शायद इन वीर को यह पता है कि उसके पास ही टीम टू के बंदे बैठे हैं बिल्कुल सामने, भाई बिल्कुल कोने में बैठे हैं, तो ये भी बोलना मुश्किल है कि क्या यहाँ पे। और यहाँ पे मिलान एंड विशु के बीच एक फाइट एंगेजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो भी टीम आगे जाएंगे वही टीम आगे चले जाएंगे, पर
इसी के साथ नोबिता एंड मिलान को सॉरी मिलान एंड वीर को टेक डाउन करते हुए एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे टीम टू के। विशु एंड स्केटमैन काफ़ी अच्छा खेल रहे यहाँ पे अभी लग के लिए। जो कील से उठा टीम इलेवन का उसको भी नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है। सो इट्स ए प्रॉपर 1v2 सिनेरियो बिटवीन टीम टू एंड टीम वन। तो ये बोलना तो मुश्किल है कौन सी टीम चिकन लेके जाएंगे। टीम वन के पास भी प्रॉपर जोन नहीं है, टीम टू के पास भी नहीं है, बट टीम टू ऑलरेडी हैव लाइक उन लोगों के पास एक मैन पावर एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज वो लोग आराम से उठा सकते हैं। बट दे नीड टू हील एज वेल, हील करके आगे जाना पड़ेगा। 19 मीटर दूर है जोन से अभी भी, तो लेट्स सी। ये ड्रैगन रॉक है, रौनक है कौन, पहले तो देखा नहीं खेलते हुए, बट ठीक है भाई जल्दी जल्दी फाइट लो। एक प्रॉपर 2v1 का सीनरी जो वीर एंड सेख वाईटी के बीच हमें देखने को मिला था, MF सेख वाईटी के बीच शायद वही सीनरी फिर से होने जा रहा है। यहाँ पे रौनक के पास है जोन के भी एडवांटेज एंड हाइट के भी एडवांटेज, बट इट्स अप टू हिम कि वो कैसे ये दूसरे टीम के अगेंस्ट यूज़ करेगा। तब तक ये फाइट देख लेते हैं ना भाई। इतना पेशेंस लाते कहाँ से हो, मैं होती तो अभी तक एग्जिट कर देती, वैसे नहीं होता भाई। क्या मतलब मैं इसीलिए प्लेयर नहीं बन पा रही हूँ, कास्टर बन लूँ। और इसी के साथ एक प्रॉपर 1v2 का सीनरियो निकालते हुए टीम वन लेके जाएंगे यहाँ पे विक्टोरी। एंड आई थिंक यहाँ पे विशु के पास हैशटैग 3 का जो पोजीशन है वो ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग माय स्ट्रीम। और मुझे नहीं पता पिछले स्ट्रीम में करूँ या ना करूँ मैसेज की, बट मैं स्ट्रीम में फिलहाल के लिए ऑफ नहीं कर रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर 740 सब्सक्राइबर एवरीवन, कल फॉर 790 जब मैंने स्टार्ट किया था, तो थैंक यू फॉर द बिग रिस्पॉन्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम, ठीक है। हाँ आईडी पास दे दो उसको। दीमन सुनो, ऋषि ना आपको डिस्कॉर्ड पे आईडी पास दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसने बनाया है। या तो एक काम करो, वो करो, आप आ जाओ, आपको ऋषि इनवाइट दे देगा, आप गेम में हो ना, फिर आप आईडी लेके किसी को दे देना, क्योंकि पास टू कुछ होता नहीं, आईडी टू टीम में मतलब ज्वाइन करने वाले के बाद में भी देख जाएगा। क्योंकि ये भी मैं भी स्ट्रीम कर रही हूँ, ये भी हाँ हाँ ठीक है, आप एंड कर दो। हाँ और जिसको ज्वाइन करने कर लो, ये श्रुटिक वाला क्लब है डीमन, आईडी ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रीम के, एक बार देख लो, पास तो कुछ है नहीं तो आप आ जाओ, ठीक है। मैं ऑफ कर रही हूँ तब तक जब तक स्टार्ट ना हो।
अरे धीमन मैं बोली थी आओ ना, मैंने आईडी पास दे दिया आपको व्हाट्सएप पे दूसरे नंबर से, देखना धीमन मैंने आईडी पास दे दिया था आपको दूसरे नंबर से, आप खेल लो या तो आप ऋषि के साथ खेल लो, वो भी बैठा है ना, तो किसी के साथ भी खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ऑफ़ कर दूँ, ठीक है स्टार्ट करो। मैं तो स्टार्ट कर दूँ बात, वो तो स्टार्ट तो होस्ट के ऊपर है ना, वो मेरे ऊपर नहीं है, तो आप लोग जाके ना रूम में बोलो, ठीक है शायद वो किसी और के स्टार्टिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए भी। हेलो सुनो, स्ट्रीम अगर मैं डिले ना दूँ ना, इतना डिले नहीं है, 45 सेकेंड की डिले, वो तो सह सकते हो, एंड अगर डिले ना दो तो प्लेयर्स को कंप्लेन है इसलिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम्स नहीं हो रहे थे कल इसी वजह से। आई होप आप लोग समझ जाओगे, नहीं ड्यू टू मेरे लिए दिक्कत। मैं नहीं भेज सकती भाई, आप डिस्कॉर्ड पे उससे बात कर लो या तो श्रुतिक वाला क्लब पे ज्वाइन करके बात कर लो। हाँ वो आ गया, आ गया। मैं नहीं भेज सकती भाई, आप डिस्कॉर्ड पे उससे बात कर लो या तो श्रुतिक वाला क्लब पे ज्वाइन करके बात कर लो। आओ आ गया, आ गया।
हेलो 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 एवरीवन, कर ली बात। हाँ ठीक है ठीक है, आ गया ना वो। एंड वेलकम टू द स्ट्रीम एवरीवन, आज फाइनल है। किस चीज़ का फाइनल? लैन का। अरे वो छोड़ो यार, आज 11 बजे मेरे इंटरनेट में मैच है, मैं भूल गई प्रैक्टिस करना, पता है। ये वाले क्या क्या लगते हैं, पोजीशन आ जाएंगे इन लोगों का? फुल टीम इन लैन। हाँ मैं समझ रही हूँ समझ रही हूँ, आपने बताया तो था। ओके फाइनली मैच स्टार्ट होते हुए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। और जो भी हो यहाँ पे मुझे हाय लिख के जाना, ठीक है? तब मुझे पता चलेंगे कि कौन स्ट्रीम देखने आए थे, और मुझे पता चलेगी कौन सपोर्ट कर रहे हैं ना। और यहाँ पे मैच की बात किया जाए, 24 जॉइनिंग्स है, 20 उससे ज़्यादा ही होंगे, 26 के जॉइनिंग हैं। तो काफ़ी अच्छा लॉबी बने हैं यहाँ पे शूटिंग वाले क्लब से भी। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसे व्यूअर्स आओगे ना जिसको पता नहीं है लाइक व्हाट काइंड ऑफ लॉबी वी आर प्लेइंग और समथिंग, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं समझा दूँगी जो कुछ भी, ठीक है? है अभी हस्टेगन। अच्छा 1 बजे है अभी, हस्टेगन है, अच्छी बात है रिमन, अच्छी बात है। ओके यहाँ पे टीम्स की बात किया जाए तो वी हैव 14 टीम फ्रॉम लाइक 14 डिफरेंट टीम विथ 27 इंडिविजुअल, एंड काफ़ी तगड़ा लॉबी बन चुकी। क्विक मैच की लॉबी फुल होना मतलब काफ़ी अच्छा लॉबी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस टीम्स के लिए हो जाते हैं जो हार्ड वर्क खेलते हैं, उसको पता है। पोचिन के वाला जोन बना है यहाँ पे टीम 2 की तरफ से, जिस टीम को सर हैशटैग #3 मिले थे लास्ट बार, वो टीम यहाँ पे खेलते हुए हमें नज़र आएंगे। लूट तो अच्छा खासा सबको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे UMP स्कैन मैन को UMP M6 उनके कॉम्बो मिल चुके हैं। बाकी एक बार सारे टीम को हम देख लेते हैं ना। टीम 1 की बात किया जाए, अभी भी हवा में है, एंड शायद यहाँ पे ड्रैगन एक्स रौनक ने सेकंड मैच लास्ट मैच के चिकन लिया था, सो प्रोबेबली वो थोड़ा सा अभी तक के लिए ऑफलाइन है। यहाँ पे टीम 2 एंड टीम वो वाले टीम सामने जो भी है, टीम 11 के साथ एक फाइट इंडियन टीम 2 के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लूसीफर हो चुके हैं नॉक, जैसे कि यहाँ पे स्कैटमैन एंड डेविल गेमिंग के टीम के भी फाइट एंगेजमेंट होते हुए नजर आएंगे। ऋषि एंड डीमन वाला टीम भी फाइट एंगेजमेंट पे अभी तक के लिए शायद। क्या टीम 9 की बात किया जाए तो टीम 9 में डीमन इज़ द लास्ट वन टू सर्वाइव किया। यहाँ पे डीमन के द्वारा एक सेफ देखने को मिलेगी, और ऋषि के पास बताया डोंट रिलेटिंग, उसका शायद कुछ भी हुआ है भाई, उसको सपोर्ट दे दो थोड़ा सा मेंटली। ओके यहाँ पर रिवाइव तो हो जाएंगे, छोड़ो रिवाइव वाला देखेंगे। बाकी टीम्स की बात किया जाए तो काफ़ी टीम यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे, और ये टीम्स पोशन के काफ़ी दूर ही हमें देखने को मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टीम जो पोशन के अंदर है, वो यहाँ पे टीम 14 को देखा जाए, बॉबी वाइटी की टीम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ पहले भी खेलते हुए हमने देखा है। डेविल गेमिंग वाले टीम भी यहाँ पे हो चुके हैं नॉक, सो बहुत साइड में फाइटिंग इसमें ले रहे थे जितना मुझे याद है। और यहाँ पे टीम 2 के द्वारा एक टीम का एलिमिनेशन सबसे पहले हमें देखने को मिला, बिकॉज टीम 11 वॉज द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेट। टीम 2 हैव सिक्योर 2 किल ऑन देयर काउंट ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग इस टीम के लिए ऑलरेडी हो चुके हैं। सो यहाँ पे टीम 1 की तरफ से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। यहाँ पे ऋषि हुआ था नॉक, उसको रिवाइव दे दिया जाएगा टीम 1 की तरफ से, अच्छा परफॉर्मेंस। प्रभु ने एक बंदे को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑलरेडी डाल दिया है, M4 एंड शॉटगन के काफ़ी अच्छा कॉम्बो है। सामने टीम 4 भी हमें देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे लूसीफर वाले टीम भी एलिमिनेट होते हुए नजर आए हैं। सो टीम 3 एंड टीम 11 इज द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेट, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। जो भी यहाँ पे जॉइंट हो प्लीज़ मुझे एक बार हाई लिख दो ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है? इसके बाद तो और मैच नहीं होंगे ना सर, मैं तो पूछ के आते हो, ठीक है गैस? 1 मिनट वेट करो।
दो ही टीम के एलिमिनेशन हुआ है अभी तक। हाय मिलान, हाय हेलो, आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? जो भी यहाँ पे चैट पे देख रहे हो एक बार हाय लिख के जाओ ताकि मुझे पता चले कि कौन ज्वाइन हो एंड बात बात कर सकूँ। बाकी टीम्स की बात किया जाए तो टीम वन के लिए भी काफ़ी मुसीबत खड़ा होते हुए नजर आएंगे। रौनक तो अब से ऑफलाइन था, ही भी लाइक एक मैच का तो मैं चिकन ले चुका, अब मैं क्यों खेलूँ। एंड अभी तक बहुत देर के बाद आ चुके हैं ऑनलाइन, तो टीम को लीगेसी कैरी करने के टाइम आ गया। टीम टू की बात किया जाए, पता नहीं क्यों ऐसे बैठे, बस बैठे हैं बस। एंड टीम फोर अभी भी बर्न, उसके तरफ ही हमें देखने को मिलेंगे। टीम फाइव भी, दोनों ही बंदे यहाँ पे सोए हुए हैं भाई, मैं कुछ करना नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। बट यहाँ पर टीम सिक्स एंड टीम फाइव के एक फाइटिंग गेम्स में देखने को मिल सकते हैं। टीम सेवन की बात किया, ओके यहाँ पर टीम सिक्स भी शायद एलिमिनेट हो ही जाएंगे क्योंकि भाई ये बहुत बुरा हुआ उसके साथ जो भी हुआ। टीम एट की बात किया जाए तो यहाँ पे जीरो किल के साथ अभी भी सर्वाइव करते हुए, भाई नहीं दिखा क्या बंदा सामने ही तो लूट कर रहा है। हेलो, व्हाट वाज दैट मैन, इसको दिखा नहीं क्या बंदा सामने, सीरियसली। यहाँ पे टीम एट की बात किया जाए तो टीम वन के साथ एक फाइटिंग गेम्स में देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे एक दूसरे को पता है, भाई क्या बंदा ये, भाई मारे तो एटलीस्ट ट्राई भी नहीं कर रहा बंदा। वाओ भाई वो आराम से मार सकते थे पता है, मतलब ड्रैगन के द्वारा और दो और एलिमिनेशन देखने को, दो एलिमिनेशन देखने को मिला ड्रैगन एक्स रौनक के द्वारा। तो यहाँ पे हम टीम्स की बात करेंगे और जिंदा है 18 इंडिविजुअल के साथ, अभी तक फाइट एंगेजमेंट देखने को नहीं मिला। फाइट एंगेजमेंट हुए तो मैं बात करूँ ना कुछ। रिशियन दिमन की डेडली दो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे पोशन के अंदर, काफ़ी अच्छा अच्छे से अभी तक ले सर्वाइव करते हुए। और यहाँ पे रौनक भी टीम फोर के द्वारा एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, जिस बंदे ने लास्ट मैच में चिकन चिकन किया था एक 1v2 अगेंस्ट कुछ एक अच्छे टीम के साथ है। और भाई अच्छा ये खोले बिना भी अंदर आ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे टीम फोर की बात किया जाए तो तीन किल अपने खर्चे में ऐड कर चुके हैं। बट आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे किल का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, आप एक किल के साथ भी विक्ट्री हासिल करोगे ना आपको उसी का प्राइस पूल मिलेंगे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि मतलब प्ले फॉर द हैशटैग वन, प्ले फॉर द विक्ट्री नॉट फॉर द किल। किल के लिए जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ प्ले फॉर द विक्ट्री एंड आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। स्ट्रीम पे बेइज्जती होगी बंदे की, भाई वो क्या खेल रहा था, उसने डिफेंड करने के लिए ना मारा तक नहीं, पता है उसने मारा तक नहीं, समझ रहे हो, मतलब क्या ही, मतलब क्या बोलूँ अब। ओके यहाँ पे पोशन के वाले बीच के जो टीम है, काफ़ी टीम अभी भी कैंप करते हुए नजर आएंगे। और किसी ने शायद कहा था स्टैन वाले सारे टीम कैंपर है, तो मैं मानती हूँ थोड़ा सा ये बात, दो तीन टीम को छोड़ के, दो तीन डुओ को छोड़ के ऐसे है कि सब कुछ टीम से है कि जिसको कॉन्फिडेंट है कि हम जा सकते आगे खेल के साथ। जैसे कि वीर वगैरह अच्छा खेल रहा था, मिलान अच्छा खेल लेते, तो बाकी तो एक्स छोड़ो। टीम 13 की बात किया जाए तो मंस ने, ये मंच मिस्टर मंच है या मिस्टर मानुष है मुझे नहीं पता, पर मिस्टर मंच ही बोलूँगी मैं क्योंकि यहाँ पे ए और एक दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे टीम 13 के आसपास हमें टीम 9 भी देखने को मिला है, टीम 14 भी काफ़ी आसपास है, टीम 2 भी। तो क्या यहाँ पे और एक टीम के एलिमिनेशन देखने को मिलेंगे? प्रॉबेबली यस। यहाँ पे टीम 7 की बात किया जाए तो टीम 7 भी अपना एसेंशियल लूट के साथ अपना पोजीशन होल्ड करते हुए नजर आएंगे। इसको तो कैंप नहीं बोलूँगी क्योंकि इतने सोते से सर्कल में कौन क्यों ही बाहर जाएंगे। टीम फाइव भी काफ़ी आसपास है, पोशन की फाइव बिल्डिंग की तरफ भी हमें कोई देखने को नहीं मिला। ये फाइव बिल्डिंग जो है वो तो खाली है। टीम फोर बर्न हाउस की तरफ अपना रोटेशन नहीं, अपना कैंपिंग करते हुए, अपना होल्ड करते हुए, आई एम सॉरी अबाउट दैट,
यहाँ पे टीम टू है, टीम टेन है, टीम सेवन, टीम फोर्टीन एंड टीम नाइन में से किसी टीम का एलिमिनेशन जैसे हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स सी। और प्लीज़ जो भी यहाँ पे स्ट्रीम पे हो प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम, क्योंकि मैं इसके बाद स्ट्रीम कर दूँगी एंड तब हो गया मतलब आज के लिए तो स्ट्रीम। मेरे को बस वाई टी पे ना एक्टिव रहना होता है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यू नो गाइस, डीएक्टिविटी की वजह से एक्टिव ना रहो ना फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पे डिमन और ओके यहाँ पे टीम टेन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होते हुए नजर आएंगे। लूसीफर को कर दिया गया डेमेज, सामने हमें टीम फोर्टीन देखने को मिलेंगे। एक बार टीम फोर्टीन की तरफ से क्या सुनिए देखिए। ओके यहाँ पे टीम टेन के ऊपर काफ़ी मुसीबत खड़ा होते काफ़ी मुसीबत क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ टीम टेन भी टीम फोर्टीन के हाथ हो गई है एलिमिनेट। वी हैव 15 इंडिविजुअल एंड टॉप 18। सो टॉप 18 में से बोला जाए तो टीम्स है टीम टू विच टू किल, नेक्स्ट दादू का क्लब है, उसमें लाइव करोगे दादू वाला क्लब में पूछो तो उससे, अगर करना है तो मैं कर दूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके यहाँ पे दीमन की तरफ से एलिमिनेशन हमें देखने को मिला, दिखा तो नहीं पाई, बाद में आके मुझे से मिलने पे सिलाएंगे तुमने मैंने एक बंदी को मारा दिखाया क्यों नहीं से बोल के, ठीक है। यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव 14 इंडिविजुअल एंड 7 टीम, यहाँ पे 7 टीम के सारे टीम ही टू भी टू में ही सर्वाइव करते हुए नजर आए हैं अभी तक के लिए। तो काफ़ी अच्छे फाइट एंगेजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। टीम टू यहाँ पे 2 किल के साथ, सामने टीम 5 है 0 किल के साथ, थोड़ा सा कैंपिंग ही बोला जाएगा ये। एंड सामने टीम 9 भी यहाँ पे हो चुके हैं स्पॉट, बट अनुज यहाँ पे उठ के मारेगा नहीं क्योंकि उसको करना है यहाँ पे कैंप, ठीक है, बट करो आराम से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टीम 9 भी आ चुके हैं, लेकिन टीम 9 का सो पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सर्निंग है बिकॉज यहाँ पे एक दो नहीं रहते, थोड़ा सा काम तमाम हो जाएंगे, बताते उसको पूछ के बताओ मिलन, मुझे तो नहीं पता तो स्टैंड पे गई नहीं। मैं ऋषि से बात करके, हाय राहुल, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। ओके यहाँ पे ऋषि की तरफ से एक नॉक एंड फिनिश देखने को मिला हमें, काफ़ी अच्छे से टीम 9 को शायद टेक डाउन किया था, बट टीम 12 भी काफ़ी आसपास हमें देखने को मिलेंगे। टीम 9 के जो पोजीशन है उसके हिसाब से वो लोग शायद ही जोन के अंदर है, एक मिनट जोन के अंदर तो नहीं है, 3-4 मीटर जोन जाना पड़ेगा, दे नीड टू गेट इन द जोन एज़ सून एज़ दे कैन। और यहाँ पे जो टीम 4 है ना उन लोगों के लिए तो बिल्कुल मतलब खुशी वाली बात हो गई, बिकॉज जहाँ पे है वहाँ पे जोन सीट हो ही नहीं रहे, वो बारना उसमें टीम किल कर भी चुके हैं ऑलरेडी। टीम 7 इज़ नाउ सर्वाइविंग, जयदीप किंग इज़ द लास्ट वन टू सर्वाइव फ्रॉम हिज टीम। यहाँ पे एक को नॉक एंड फिनिश डाला था ऋषि ने ऑलरेडी, टीम 14 की बात किया जाए काफ़ी आसपास देखने को मिला है। एंड पूछो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टीम 14 की बात किया जाए तो टीम 14, टीम 2, टीम 5 एंड टीम 9 काफ़ी आसपास है, तो यहाँ पे किसी के साथ भी फाइट हो जाएंगे ना, थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी तो होना ही है। सो लेट्स सी, यहाँ पे टीम 5 एंड टीम 2 ऑलमोस्ट फाइट एंगेजमेंट ले चुके हैं, बट इतने आसपास होते भी फाइट एंगेजमेंट कैसे नहीं हो रहा है इन लोगों का, क्या मतलब आज मूड नहीं है फाइट की तो फाइट नहीं ले रहे। पूछो यहाँ पे ऋषि हो चुके हैं नॉक बॉबी वाइट की तरफ से, कि एक गलत स्टेप यहाँ पे पूरे टीम के लिए एलिमिनेशन का कारण बन सकते हैं, बट लेट्स सी आई थिंक यहाँ पे। और इसी के साथ टीम 9 भी एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे बॉबी वाइटी की तरफ से। एंड टीम 14 हैव सिक्योर्ड अनदर सिक्स किल, यहाँ पे 6 किल के साथ आगे जाते हुए टीम नजर आएंगे, काफ़ी अच्छे से खेला है। बट मैं फिर से बोलूँगी जस्ट प्ले फॉर द विक्ट्री, ओके, डोंट प्ले फॉर द किल, क्योंकि किल के लिए खेल के कोई फ़ायदा तो है नहीं। सो बाकी आप तो यू गाइस, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसमें, मेरे को जज भी नहीं करना स्पेक्टेट में बैठ के। टीम 14 के सामने और एक टीम के एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। टीम 2 काफ़ी आसपास है, टीम 7 के बंदे भी आसपास आ चुके हैं 11 इंडिविजुअल के साथ, 6 टीम के साथ अभी तक खेले तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस सारे टीम्स के साथ तरफ से देखने को मिला है। 6 किल के साथ खेल रहे तो काफ़ी अच्छा है, एग्रेसिव मूवमेंट के साथ ही खेल रहे अभी तक। टीम 5 के किंग सामने देखने को भाई अच्छा भाई आयस वर्ल्ड की तरफ से नौ भाई
ओके 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 ओके, यहाँ पे डीबीएस का, डीबीएस के सामने बलि सरते हुए टीम 14 भी हो गई है एलिमिनेट। एंड वी हैव यहाँ पे अनुस की तरफ से शायद 1v2 एक प्रॉपर देखने को मिला। डीबीएस के सामने ऐसा पोज तो नहीं करना चाहिए सीढ़ियों पे, बट अब तो द प्लेयर्स इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकती, बट ठीक है। यहाँ पे बाकी टीम्स की बात किया जाए तो 4 टीम हमारे सामने है 8 इंडिविजुअल के साथ। ये सारे सीनियर 2v2v2v2 में हैं, टीम 2, टीम 4, टीम 5 एंड टीम 12 ऑलरेडी टॉप 4 में आ चुके हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे घोस्ट गेमिंग के जो टीम है उन लोगों के पास एसेंशियल लूट तो है नहीं, मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि हील ही नहीं है बंदों के पास। एंड बाकी टीम्स की बात किया जाए जो टीम्स बर्न हाउस की तरफ थे, टीम 4 वो अपने हिसाब से जो ना तो नज़र आएंगे, बट अगर किसी को नज़र आ जाए ना तो भाई ये क्या होता है, तुम ऐसे थोड़ी करोगे, ऐसे थोड़ी करोगे। यहाँ पे टीम 5 भी हो चुका है ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म, क्योंकि टीम फोर इज सर्वाइविंग विंडर लास्ट मैन स्टैंडिंग। यहाँ पे आकाश रॉय किंग को भी नॉक एंड फिनिश डाल दिया गया अनुज की तरफ से। अब जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, इंडिविजुअली 4 किल ये बंदा अपने खेल के खाते में कर चुके हैं। टीम 2 भी शायद इसी के हाथ में चलने वाला, बट लेट्स सी। यहाँ पे टीम 2 की बात किया जाए तो किल एंड किल 2 है टीम के पास टॉप 3 में, ये टीम भी आ चुका है। डेविल गेमिंग की तरफ से किंग को दिया गया है नॉक एंड फिनिश, ऑब्वियसली किल फिनिश भी किया जाएगा। टीम 12 की बात किया जाए तो वो मना नहीं कर रहा, लेकिन यार मैं देखती हूँ, मैं ऋषि से बात करके देखती हूँ। यहाँ पे अनुज की बात किया जाए, अभी तक इंडिविजुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ ये प्लेयर आगे आते हुए नजर आएंगे। वी हैव 5 इंडिविजुअल एंड 3 टीम, सो पोजीशन सिक्योर करने के लिए अभी किसी टीम के एलिमिनेशन जरूरी है। मतलब अनुज की तरफ से डेविल गेमिंग को कर दिया गया नॉक, घोस्ट गेमिंग भी, और इसी के साथ टीम 12 के पास शायद ये चिकन आते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, क्योंकि भाई नहीं, अरे मिलान कुछ मत पूछो, इसके बाद ना मैं ऑफ करी, मेरे को काम है थोड़ा सा, मेरे को बाहर जाना होगा, ठीक है। और इसी के साथ टीम 12 के बारे में हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबली टीम 12 को चिकन मिल ही जाएंगे। गोस्ट गेमिंग इज द लास्ट वन टू सर्वाइव फ्रॉम इस टीम, यहाँ पे किसी इन में से किसी ना किसी को तो हैशटैग 3 मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे टीम 12 काफ़ी एडवांटेज में हमें दिखाई देंगे सामने आमने सामने का फाइट, 2v2 का फाइट, दोनों में ही 2 प्लेयर नॉक है, तो बोलना तो मुश्किल है कि कौन से टीम के पास चिकन आएंगे यहाँ पे। बट घोस्ट गेमिंग वाले टीम के पास यहाँ पे चिकन तो चलो जोन भी नहीं है, तो इसी के साथ टीम 12 के हाथ ये विक्ट्री आते हुए हमें नजर, भाई बंदा सो गया लिटरली उधर पे, क्या ही तुम जिंदा रह लोगे, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टू द स्ट्रीम एंड थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। अगर मुझे नहीं पता, मैं शायद खुद के जो क्लब है वो मैं कर भी नहीं भी पाऊँ ना, फिर भी मैं शायद अमिताभ वाले क्लब से फिर स्ट्रीमिंग शुरू करूँगी, और मैं रात तक करूँगी जब तक मुझे मन होगा, क्योंकि आज सैटरडे है तो वीकेंड का तो बनता ही है इतना मज़मोस्टी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय स्ट्रीम एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोग बाद में भी देखने आओगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।